गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और जस्ट अभी बस सोकर ही उठी थी, 7 बजे उठी हूँ। और फिर मेरे को दुकान से थोड़ा सा सामान लेकर आना था, तो मेरे हाथ में पैसे हैं। और फिर पापा जी मुझे बोलते कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, चल मेरे साथ। तो बात ये है ना, मेरा तो आज एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं अंदर से थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो थोड़ा रेस्ट ही करूँगी आज। तो चलो चलते हैं ना। आज बहुत सारे स्केच खरीदे हैं, कलर्स खरीदे हैं और ड्राइंग बुक भी खरीदी है आज दुकान से जाके। हाँ जी, ये एक कुर्ती है जो मैंने ऑर्डर करी थी, अभी मैं इसे खोल के देखूंगी। एक्चुअली ये ना मैंने देखो लार्ज साइज में ऑर्डर करी है, तो मैं ना साइज पता चल जाएगा ना ढंग से क्या है, तो लार्ज इसलिए कर दी ताकि एक बाकी एक्स्ट्रा लार्ज कर दूंगी, एक पहन के देख लूंगी ना पहले। और क्या बोलते हैं, मेरे को ना इतनी शर्म आने लगी, मेरे को मोटी मोटी बोलते हैं ना कॉमेंट सेक्शन में। आज पापा जी ने ना कॉफी बनाई, बोलते ले पी ले, मैं बोलती मुझे नहीं पीनी, पापा जी बोलते क्यों नहीं पीनी, मैंने कहा 4-4 चम्मच मिश्री की डाल रखी है, चीनी डाल रखी है, मुझे नहीं लेनी है। तो पापा जी बोलते कुछ नहीं होता, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी। मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है, लेने भी लगती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो मैंने कहा मैं फ्रूट्स खाऊंगी। मैं तैयार हो गई हूँ नहाने के बाद, आप मेरी ड्रेस देख लीजिए। पहले तो आप मेरी ड्रेस ही देख लीजिए, देखिए ये जो मैंने लार्ज साइज ऑर्डर की है ना, ये भी देखना मेरे कितना लूज है, ये देखा है ना, इसकी भी मुझे फिटिंग करवानी पड़ेगी। और मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज के कपड़े ऑर्डर कर रखे थे, तो मैंने कुछ तो उसमें से जो मतलब निकले नहीं थे ना, शिपिंग नहीं हुई थी, उन कपड़ों का तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि नहीं यार, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा लूज रहेंगे, तो लार्ज साइज ऑर्डर करा उसमें। ऊपर कुछ कपड़े ऐसे थे जो ना मतलब जो रस्ते में थे ना, जैसे जयपुर पहुँच गए, कोई गुड़गांव पहुँच गए, तो वो मैंने कैंसिल नहीं करे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दो। अब तो पता है क्या होता है, देखो हमारा तो 1 सेकंड लगता है, हमें क्या जा रहा है एक बटन दबाने में, कैंसिल कर सकती हूँ मैं चाहूँ तो, वो कैंसिल भी हो जाएंगे और दूसरा साइज भी आ जाएगा। पर एक बात सोचो, जिस बंदे ने, जो दुकानदार होगा जिसके थ्रू वो कपड़े जा रहे हैं, उसका कितना नुकसान होता होगा ना। हम लोग बिना वजह बेवजह रिटर्न करवा देते हैं कई बार, या फिर हम और भी चीज़ें करते हैं ऐसे, तो मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ना नहीं, क्योंकि किसी और को क्यों परेशान करना जब रस्ते तक आ चुके हैं कपड़े, तो आने दो घर पे, कोई बात नहीं फिटिंग करवा लूँगी, नहीं तो मैं, नहीं तो मेरी मम्मा पहन लेंगे, है ना। तो मैं लस्सी का गिलास पी रही हूँ और नहीं पिया जा खाया जा रहा यार, बाहर की चीज़ें शर्म आने लग गई है अब तो सच में बहुत ज़्यादा। और आपको ना, वैसे मैं कोई ये ऐड वैड नहीं कर रही हूँ, बस मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि अगर आपको ये मेरी कुर्ती अच्छी लग रही हो तो बता दूंगी कितने की थी, ठीक है, प्राइस बता दूंगी। लस्सी मस्त है, एक नंबर की है सच में। और आज मेरी ये जो वीडियो है वो शाम तक आएगी, क्योंकि ना मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है, उन तो घर का काम भी करना है, साथ में ये भी है ना कि विहान को भी मम्मी के पास नहीं ज़्यादा छोड़ सकते हैं, क्योंकि मम्मी से कैच कर लेगा ना वो इन्फेक्शन, तो इसलिए विहान को थोड़ा दूर रख रहे हैं, तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा। हाँ जी, देख लिया आपने कौन आया हुआ है। एक्चुअली आज मैंने नहीं बुलाया गुरु को, मेरे पापा जी ने बुलाया है। एक्चुअली मम्मी की तबीयत खराब थी, एक मिनट में लाइट जला देती हूँ कमरे की। तो बस मैं खाना खा रही थी तो एकदम से आया, पता निधि, मैंने कहा अरे ये कहाँ से आ गया, तो फिर पापा जी बोलते मैंने बुलाया है आज। मैंने कहा क्यों, बोलते तू तो मेरे को एडिटिंग सिखाती नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब हमेशा कह देती है मैं अपने आप कर लूँगी अपने आप कर लूँगी, मेरे को सारा प्रॉपर सीखना है, तो मैंने बुलाया है। बात ही हुई ना, सुबह सुबह मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो विहान को तो पता है मम्मी के पास छोड़ नहीं सकती थी, तो उसमें और वो रोए जा रहा था, तो इरिटेशन सी हो जाती है ना, मतलब एकदम से बिचल सा जाता है इंसान, तो बस। और उधर से पापा जी कह रहे मेरे को ये सिखा दे ये सिखा दे, तो मैंने कहा पापा जी मैं अपने आप बाद में सिखा दूंगी, तो बस पापा जी बोलते ठीक है कोई ना, तू मत सिखा, मैं फिर भी सीख लूँगा। तो कोई नहीं, चलो अच्छा है, ठीक है ना। हेलो, दुकान से मैं कुछ सामान लाई थी, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
क्योंकि ना मतलब मेरे को ये है कि जैसे टेंशन में ना बंदा थोड़ा कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करना चाहिए ना। तो ये देखिए, मैं एक तो ये कलर लेकर आई हूँ, ठीक है, और इसके अलावा एक ये पेंसिल वाले कलर लाई हूँ। दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आज। एक ये देखिए, क्योंकि अब बात करते हैं, एक ये है, कुछ पेंसिल्स हैं, इसके अलावा ये तो बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए खाली है, तो इसमें ना मैं ड्राइंग करूँगी, पेंटिंग नहीं होती वो करूँगी। तो मुझे, मैंने बचपन में तो बहुत करती थी, मतलब थोड़ा शौक था, स्कूल टाइम में कर लिया करती थी। तो अब ये लगता है ना, जैसे थोड़ा स्ट्रेस होता है ना, वो तो दूर हो जाएगा। और आप सबके लिए भी मैं कह रही हूँ, जिनको अभी जैसे थोड़ा हम बाहर नहीं निकल सकते ना, ये कोरोना की वजह से बीमारी फैली हुई है, तो कुछ इनडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी लानी चाहिए ना। तो इस तरीके की काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं तो करूँगी, मैंने सोच रखा है। तो चलिए करते हैं, ठीक है, कुछ ड्राइंग करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी ड्राइंग बुक निकाल ली थी, और उससे पहले ना मैं अपनी पेंसिल शॉर्प करने लग रही थी। तो ना ये पेंसिल तो अच्छी थी, पर इसको काफ़ी टाइम लग रहा था घड़ने में, तो ये हो गई थी। उसके बाद मैं अपने कलर्स भी बाहर निकाल रही थी सारे, मुझे लगा इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग करूँगी तो कर पड़ेगी ना। और यहाँ पे मैंने मेरे पेंसिल कलर्स भी थे, मैंने वो भी निकाल लिए थे। और ये वाली जो है ना, मेरी ये बुक है, ड्राइंग बुक है ये मेरी। और ये देखिए, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, मेरा राइट हैंड चलता है। और यहाँ मैं ये देख लीजिए आप, यू बाबू, ये मेरे बच्चे। बना रही थी ना, तो बीच में मेरे को आइडिया आया, मैंने कहा यार ऐसे ना तो पूरा स्केच कंप्लीट होने के बाद मत दिखाइयो, वरना कमेंट सेक्शन में आने लग जाएगा कि दीदी ये स्केच आपने नहीं बनवाया, आप झूठ बोल रहे हो, किसी और से बनवाया आपने। तो मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा रही हूँ कि देखो ये स्केच मैं ही बनाने लग रही हूँ, मैं अपने हाथों से बना रही हूँ। कि है ना कि बाद में फिर सब बोलें कि नहीं किसी और से बनवा दिया, कहीं मार्केट में बनवा के लाई हो। बनने लग रहा है इसमें ना, जैसे ये जो स्केच बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ये पार्ट को ऐसे करते हैं ना। चाहिए देखो पेंसिल से इस तरीके से, इससे ना थोड़ी सी शेड्स आ जाती हैं। सर आपसे बस इतना कहना था कि आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। जब कोरोना स्टार्टिंग में फैला था, आपने कितनी हेल्प करी थी सबकी, मजदूरों की, लोगों को अपनी जगह गांव में भेजने में हेल्प करी थी। इसके अलावा भी आपने मतलब आगे बढ़कर मतलब इतनी हेल्प करी। अभी भी कोई भी दिक्कत होती है ना, तो हर कोई कह देता है कि सोनू सूद सर है ना, उनके पास भेज देते हैं, वो हेल्प कर देंगे। तो प्लीज़ सर आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आज ही सुबह न्यूज़ मिली थी कि आपको कोरोना हो गया है, तो सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे पता है आप फाइटर हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सर मैं आपके लिए आपका स्केच बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो पूरा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पता नहीं लाइफ में क्या पता मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो देखो। तो बस यही मैसेज है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने आपके लिए पेंटिंग पूरी कर दी है, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है, मैं आप ही को दिखा रही हूँ आज। तो ये देखिए सर जी, मैंने आपके लिए पेंटिंग बनाई है। एक्चुअली ना मुझे कोई इतनी खास पेंटिंग वेंटिंग आती तो नहीं है, बस कोशिश की है। ऊपर से मेरा 9 महीने का छोटा बेटा है जो बड़ा डिस्टर्ब करे जा रहा था, बीच में भी आए जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से बनाई है। पर आपको बस इतना कह रही हूँ मैं कि अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है और बिल्कुल डरना नहीं है, बस एक हौसला रखना है कि फटाफट ठीक होके एकदम फैंटेस्टिक तौर पे आना है, और फिर हम सबकी फिर से हेल्प करनी है, हम जैसों की, आप ही का सहारा हो ना हम सबका। तो चलिए सर आप बस खुश रहिए, और आप सबको भी कह रही हूँ मैं, प्लीज़ प्रे कीजिए कि हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे सर हैं, जल्दी से ठीक हो जाएं। आप सब भी इतना ध्यान रखिए, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रखा है, तो घर से बिल्कुल कम निकलिए, और जितना हो सकता है निकलिए तो मास्क पहनकर निकलिए। आपको पता है मैंने आपकी जो मूवी है एक विवाह ऐसा भी पता नहीं कितनी बार देखी है, सच में मुझे मूवी बहुत पसंद है, बहुत सालों से देखती आ रही हूँ उस फिल्म को। तो मैं तो ये देख लीजिए आपकी मैंने पेंटिंग बनाई है, इसमें कलरिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसी नेचुरली अच्छी लग रही है। और आप सब से, मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे बस
चलो यही कह रही हूँ कि एक मैसेज है सर के लिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, लॉट्स ऑफ लव, हम सभी का प्यार आपके साथ है, हम सब लोगों का।